नवंबर रात 10 बजे स्थान झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। ऐसा धमाका जिसमें 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 17 बच्चे घायल हैं। आग लगने का कारण वैसे तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन कुछ विटनेस का कहना है कि नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए माचिस की तीली जलाई थी, जिससे ये हादसा हुआ। धमाके से पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, लेकिन वो चला नहीं क्योंकि 4 साल पहले ही वो एक्सपायर हो चुका था। इसको लेकर डिप्टी सीएम का क्या कहना है, एक बार ये सुन लीजिए। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, घटना के बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गई। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कई नवजात जल चुके थे। हादसे के कई वीडियोस भी सामने आए हैं। आग लगी थी, धुआं बहुत था, हम खुद बचाए, भीतर से जाकर सर रास्ते गए हैं, हम लोग खुद बचाए बच्चे, 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं और ताला तोड़े पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है सर? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है सर, उम्मीद जिंदा है या? कोई उम्मीद नहीं सर, हम क्या कहें, अब मरीज है, अब क्या उम्मीद कहें। कुछ बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, परिजन बच्चों को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। जैसे ही ये खबर पहुंची, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल का दौरा किया। इसका भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तरफ जहां हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के आने पर उनके स्वागत में सड़क पर चूना डाला जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम ने वीडियो शेयर करते हुए इसकी निंदा की है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है, मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें, हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के डिविजनल कमिश्नर और DIG को 12 घंटे के भीतर मामले की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री प्रकाश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएमओ की तरफ से किए गए एक्सपर्ट पोस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य के हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। हादसे से जुड़े हुए कई वीडियो सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल में चीख पुकार मची हुई है, कुछ बच्चों के शरीर इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। देखते हैं प्रशासन कितना अलर्ट रहता है और आगामी समय में सरकार इस पर क्या उपाय निकालती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए नेशन मिरर।